हाय फ्रेंड, आज हम लोग एडोब फोटोशॉप में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं और फोटो को किसी और बैकग्राउंड में कैसे लगाते हैं उसको सीखेंगे। तो आइए चलते वीडियो की ओर, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे। मैं सबसे पहले एक फोल्डर को ओपन करता हूँ, जिसमें से मैं एक फ़ोटो को निकालता हूँ। इसमें से मैंने एक फ़ोटो को सिलेक्ट किया। इस फोटो को मैंने फोटोशॉप पे ले लिया। अभी बैकग्राउंड के लिए एक और फ़ोटो लेंगे, जिस बैकग्राउंड के ऊपर इस फ़ोटो को सेट करेंगे। तो मैं फोल्डर पे फिर से गया, मेरे पास पहले से ही सेव था बहुत सारे बैकग्राउंड। मैंने यहाँ से एक बैकग्राउंड फ़ोटो को सिलेक्ट किया और उसको फोटोशॉप में लिया। अब हम इस फोटो को बॉश करेंगे। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक टूल का यूज़ करेंगे। फ़ोटो को अच्छे तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम माउस के लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे। माउस के लेफ्ट साइड जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टॉप अप ओपन होगा, उसमें फेदर को सिलेक्ट करना है। फेदर सिलेक्शन करने के लिए फेदर रेडियस को हम ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अनुसार कम ज़्यादा करेंगे। तो मैंने यहाँ 30 किया है। उसके बाद हम इमेज में जाएंगे। इमेज में जाके ऑटो कॉन्ट्रेस्ट को क्लिक करेंगे। उसके बाद फिल्टर करेंगे। फिल्टर में जाकर हम इमेज एनोमिक को सिलेक्ट करके पोर्ट्रेचर को क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके को क्लिक कर देंगे। फिर से इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ाएंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ाएंगे, अपने अनुसार बढ़ा लेना। मैंने अपने अनुसार बढ़ा लिया है। फिर डिसलेक्ट करेंगे, फिर जूम करके देखेंगे इसको कैसा लग रहा है। उसके बाद फिल्टर में जाएंगे, इमेज क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेचर क्लिक करके ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम आँखों में थोड़ा सा डार्क कलर को बढ़ाएंगे। आप देख लेना अपने हिसाब से टूल्स को कैसे कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग भी यूज करना टूल्स को। अब हम पेन टूल की मदद से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। अब हम इस फोटो को बैकग्राउंड वाले फ़ोटो पे ड्रॉ करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अगर आप बढ़ाना नहीं पाएंगे, शॉर्टकट की नहीं जानते हो तो कमेंट में लिखना, मैं कर शॉर्टकट की बता दूंगा कैसे शॉर्टकट की के द्वारा इसकी साइज
बढ़ाते हैं। अब ये थोड़ी सी बचा हुआ जो फोटो के बाहर दिख रहा है बैकग्राउंड में सफ़ेद सफ़ेद, इसको काट लेंगे पेन टूल की मदद से, या फिर आप इसको मैजिक टूल की मदद से भी काट सकते हो।